मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दो पिस्टल, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर जिला अवैध हथियार निर्माण और उसकी तस्करी को लेकर पूरे देश में काफी चर्चित है। इस पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए जिला पुलिस समय समय पर छापेमारी भी करती है। इसी क्रम में मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह को सूचना मिली कि कुछ लोग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दियारा इलाके से अवैध हथियार लेकर गंगा पार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मुंगेर एसपी ने मुफस्सिल थाना अध्यक्ष व कासिम बाजार थाना अध्यक्ष और एसटीएफ जमालपुर अभियान दल के संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी करवाई, जो पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर वद्रा मोहम्मद असलम को 9 mm का एक पिस्टल, 9 mm पिस्टल के दो मैगनीज, 7.65 mm का पिस्टल, 2 मैगनीज, एक देसी कट्टा, 9 mm का 16 जिंदा कारतूस, 0.315 mm का 21 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में एसपी ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि मोहम्मद असलम के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज है। दियारा इलाके में इसकी सक्रियता बढ़ी हुई थी। गिरफ्तार असलम ने पुलिस के सामने स्वीकार की कि वह दियारा में हथियार बनवाकर उसे बेचने के लिए दूसरी पार्टी को डिलीवरी करने जा रहा था कि तभी रास्ते में पुलिस ने उसे घर दबोचा। गुप्त सूचना एक मिली थी कि मुफस्सिल थाना का जो दियारा क्षेत्र है वहाँ पर कुछ हथियार लेकर के क्रिमिनल्स आए हुए हैं, तो एक टीम गठित की गई एएसपी सदर के नेतृत्व में, और इसमें थानाध्यक्ष कासिम बाजार, मुफस्सिल और जो एसटीएफ का अभियान दल है, छापेमारी की गई। तो वहाँ पर जो है एक मोहम्मद असलम जो मिर्ज़ापुर बरधा का है आम सप्लायर, उसको गिरफ्तार किया गया, और उसके पास से एक देसी कट्टा, एक 9 mm का पिस्टल और उसके साथ 2 मैगजीन और एक जो है 7.65 mm का भी एक पिस्टल बरामद हुआ है, उसकी भी 2 मैगजीन, साथ में 315 बोर की 21 जिंदा गोलियां और 9 mm की भी 16 जिंदा गोलियां बरामद की गई है।